स्वीट तो आप सब रोज घरों में खाते होंगे, लोगों के घर में रोज स्वीट आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्वीट दिखाने वाला हूँ, ऐसी स्वीट्स की मेकिंग दिखाने वाला हूँ ना, जो कि शायद ही कभी आपने खाई होगी और शायद ही कभी आपने देखी होगी, और इतने सारे फ्लेवर आपको दिखाने वाला हूँ ना, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गाड़ी भर के यहाँ पे माल आ चुका है। ये एक छोटे से ठेले पे माल लगाया जाता है, पूरा मलाई बोलते हैं जिसे, और ये मलाई सिर्फ और सिर्फ आपको ठंडियों में ज़्यादा करके खाने मिलेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अभी माल निकाला जा रहा है गाड़ी पे से। तो देखिए कितना बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे माल आ चुका है। डेली की यहाँ पे 25 से 30 किलो मलाई यहाँ पे बेची जाती है। तो सबसे पहले देखिए अंकल, यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे अपनी गाड़ी रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लव्स पहन लिया अंकल ने, और यहाँ पे अभी माल आना चालू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 फ्लेवर के माल आ चुके हैं, टोटल यहाँ पे 6 से 7 फ्लेवर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा फ्लेवर आ चुका है एक एक करके। अब इसको एकदम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे पानी से। तो ये मलाई है जिसको एकदम अच्छी तरीके से देखिए साफ़ कर करके अंकल रखेंगे। यहाँ पे मैंगो फ्लेवर साफ़ किया गया था, अभी यहाँ पे देखिए मलाई फ्लेवर जो है साफ़ करके रख दिया गया है बढ़िया से। अभी देखिए ये केसर फ्लेवर है, तो केसर को भी कितना अच्छी तरीके से, और पिस्ता फ्लेवर, और उसके साथ में हमारे पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो टोटल यहाँ पे 6 फ्लेवर है भाई के पास। तो देखिए अभी वो पानी डाल के साफ़ किया, अभी इसमें थोड़े थोड़े पानी निकालेंगे, और ये मलाई को अच्छी तरीके से एकदम चारों साइड से एकदम अच्छे से साफ़ करके अभी उसको कट कर देंगे। तो इस कट करके शेप में देखिए कैसा रखा जाएगा। ये मलाई होती है जो कि गाय के और भैंस के पहले दूध से, जब पहला बच्चा होता है उससे बनाई जाती है। तो ये कोई केमिकल और कोई फ्लेवर डाल के नहीं बनाया जाता, ये एकदम नेचुरल होता है, जो कि गाय के और भैंस के एकदम दूध से बनाया जाता है। पहले टाइम पे ऐसा होता था कि लोग गाय और दूध के दूध को बचा के लोग अपने घरों में ऐसे ही बना बना के मलाई रखते थे, पर आजकल ऐसा हो चुका है कि लोगों का बिजनेस हो चुका है, कमाने का जरिया हो चुका है। तो लोग देखिए ऐसे अभी दूध बेच बेच के, तो ऐसे यहाँ पर लोग यहाँ पर मलाई बेचते हैं, क्योंकि अच्छा ही है ये। तो यहाँ पे देखिए भैया ने कट करके अपना यहाँ पे दुकान पे मतलब सेटअप चालू कर दिया है लगाना। तो कितने बढ़िया तरीके से कट कर लिया गया है उसको, हर एक फ्लेवर के यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरीके से सजा रहे। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खा के ये। आपने कभी मलाई खाई है क्या, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है, और आपके यहाँ भाषा में इसे क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, और कितने रुपीस में मिलता है, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे, इनकी एक खासियत है कि बहुत ही ज़्यादा ये नीट एंड क्लीन रखते हैं, ग्लव्स पहन के एकदम अच्छी तरीके से एकदम साफ़ सुथरा। देखिए यहाँ पे सारा मलाई धोने के बाद यहाँ से 3 से 4 बार इसे धोया जाता है, कितने अच्छे तरीके से ये मलाई को साफ़ कर रहे हैं, हर एक फ्लेवर को एकदम अच्छी तरीके से साफ़ करके उसके बाद देखिए उसे प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, ताकि उस पर कोई कचरा ना गिरे ना मिट्टी उड़े। तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे से यहाँ से मलाई रेडी की जाती है। उसके साथ में देखिए यहाँ पे और भी मलाई अभी ऐसे बॉक्स के अंदर आ चुकी है, जो कि ये छोटे छोटे डब्बे के अंदर होती है। 1.5 किलो 1 किलो जितनी मलाई चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हर एक फ्लेवर की मलाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इसके लिए आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल में शेयर कर दूँगा। और देखिए यहाँ पर एकदम फ्रेश एंड फ्रेश पत्ते के ऊपर सेल किया जाता है, तो पत्ते को भी देखिए कितने अच्छे तरीके से भैया वॉश करेंगे। मैंने जैसा कि बताया बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन में रखते हैं। तो देखिए पत्ते को वॉश करके यहाँ पे देखिए पानी में रख लिया गया है। तो हम यहाँ पे इनका पिस्ता फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, हम यहाँ पे सारे फ्लेवर ऐसे ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी भैया यहाँ पे देखिए चारों फ्लेवर यहाँ पे थोड़े थोड़े करके लगा देंगे, और इसे हम टेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको ऐसी वीडियो अगर आपको ये ट्राई करना है, तो आपको आना पड़ेगा माहिम ईस्ट में मेरा दुकान पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।